हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक सॉल्यूशन गेमिंग में। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं जियो गीगा फाइबर के बारे में, जिसमें कि हम इसकी पूरी इंस्टॉलेशन, सारे जितने भी मॉडम्स हैं और सेटअप बॉक्स हैं उनके सब के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो जैसे कि आप ये बॉक्स देख सकते हैं, ये हमारा जो है राउटर का जो हमारे साथ आता है जियो गीगा फाइबर का, उसका ये बॉक्स है। ठीक है, आप इसको चारों तरफ से देख लीजिए और आपको इसकी डिटेल्स देखना है तो आप पॉज करके इसकी डिटेल्स जो है पढ़ सकते हैं। ये भी एक राउटर का है, एक्स्ट्रा यहाँ पे ये लोग लाए हैं, किसी और के यहाँ लगाने होंगे। ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें जो है आपको सेटअप बॉक्स मिलेगा जो कि आपको जियो टी वी लाइव देता है, वो इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बारे में पूरे डिटेल में आगे आपको मैं बताऊँगा, आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ बॉक्सेस, तो आप देखते जाइए। और ये भी एक राउटर का ही बॉक्स है, इसको भी आप देख सकते हैं। प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अपन जो है वैसे लेते हैं तो ये लोग फ्री ही देते हैं सब कुछ। ठीक है, ये इसकी केबल है, इस केबल के बारे में भी आपको आगे अच्छे से बताऊंगा डिटेल में कि क्या ये केबल है, कैसी है। ठीक है, यही फाइबर ऑप्टिकल केबल है। ओके, और ये जो है यहाँ पे आ चुके हैं, और ये लोग केबल जो है हमारे टेरेस से लेके यहाँ पे हमारे रूम में आ चुकी है। तो अब ये लोग जो है इस केबल का जो अलग ही तरीका है, मतलब इसमें कोई भी स्प्लाइसिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली इसमें डायरेक्ट वो लोग जो है जो अपना पैच कॉर्ड रहता है वो लगा देते हैं और इसमें जो केबल में आराम से फिट हो जाता है और ये डायरेक्ट अपने राउटर में फिट हो जाता है। लोगों ने अभी यहाँ पे सेटअप कर दिया है, आप देख सकते हैं जियो का राउटर। और जो मैंने प्लान लिया है वो मेरा प्लान है 2500 रुपये, मैंने अभी जो है पे किए हैं। इसमें जो आपको 2 महीने तक आपका जो है इसमें टीवी वगैरह, जो लाइव टीवी वगैरह रहेगा और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स नहीं है इसमें, हॉटस्टार, वूट वगैरह और G5, ये सब आपको फ्री मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप वगैरह कर रहे थे ये लोग, तो वो ये है इसके अंदर। अभी यहाँ पे आप सेटअप बॉक्स का ही ये देख रहे हैं, इसमें सेटअप बॉक्स की, और इससे ही आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। यहीं से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा कैसे क्या होना है। तो ये देख सकते हैं, ये आपका सेटअप बॉक्स है। अभी ये जो है क्लोज कंडीशन में, मीन्स यहाँ पे जो है मैंने इसको HDMI से और एथरनेट से, राउटर से इसको कनेक्ट किया है। वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं, पर अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो आप जो है एथरनेट से ही करें तो वो सही रहता है। ये इसका अडाप्टर है और ये आपका रखा है राउटर, देख सकते हैं ग्रीन लाइट। इसमें कोई भी ज़्यादा इंडिकेशन नहीं होती, सिर्फ एक ग्रीन लाइट जलती है, इसके मतलब आपका कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश है। अगर रेड जल रही है तो अभी जो है इस्टेब्लिश नहीं है। और इसके पीछे का भी पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये आपका ड्यूल बैंड आता है, ये राउटर का पीछे के देख सकते हैं आप, इसको पॉज करके अगर आपको रीड करना है तो पढ़ सकते हैं। पीछे देखो आपको 4 दे रखे हैं और 2 USB पोर्ट दे रखे हैं और एक टेलीफोन पोर्ट दे रखा है, और एथरनेट के आपको 4 मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है ड्यूल बैंड है, ये 2.4G और 5G इसमें दोनों ही मिलते हैं आपको, 5 GHz भी मिलता है इसमें। देखने में भी ज़्यादा लाइट वेट है, कुछ ज़्यादा भारी भी नहीं है, हल्का ही से है, देख सकते हैं जियो के लोगो और ब्रांडिंग के साथ, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और ये अपना सेटअप है, सेटअप बॉक्स में देख सकते हैं एक HDMI है, और ये आपके पीछे का भी इसका पढ़ लीजिए, एक सेकेंड थोड़ा ब्लर। तो और ये देख सकते हैं इसमें जो आपको 2 USB मिल जाएंगी, इसकी जो भी सेटअप बॉक्स की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी फंक्शन है, मैं आपको आगे लास्ट में दिखाऊंगा, वो आप देखते रहना। और अभी आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो ये अपना हो गया, ये केबल यहाँ पे हम लोगों ने बाइंड कर दी है, मतलब बांध दी है पूरी, और ये अपना ये जो है अभी चालू कंडीशन में है। तो चलिए आपको रिमोट दिखा देते हैं, ये आपको जो है जियो टी वी का जो अपना रिमोट है वो आपको इसमें मिल जाता है। ये इसमें वॉइस कंट्रोल के साथ आता है, इसमें यहाँ से डायरेक्ट दे रखे हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, वूट और डिजनी प्लस हॉटस्टार, ये सब इसमें फ्री मिलते हैं। नेटफ्लिक्स नहीं मिला है फ्री, पर ये जो तीनों थी हैं ये फ्री है इसमें, अपन इसको चला सकते हैं और ये आपको मिल जाता है रिमोट। और ये भी काफ़ी अच्छा रिमोट है, काफ़ी फंक्शन काम करता है। हाँ, तो ये केबल के बारे में बता रहा था, ये देख सकते हैं आप केबल, ये केबल ऐसा लगता है कि आपकी टेलीफोन केबल नहीं होती, जो BSNL में पहले यूज़ की जाती थी, जो कि इसमें एल्यूमिनियम का शायद वायर रहता था, वो वाली केबल। पर इसमें जो है फाइबर ऑप्टिकल है, और इसमें 2 फाइबर ऑप्टिकल हैं और एक अपनी जो है सपोर्टिंग के लिए इसमें एक प्लास्टिक की जो भी हो, अब जो भी मटेरियल हो वो डली हुई है, जो कि देखो बैंड करने पे टूट जाती है आसानी से। तो इसमें ऑप्टिकल केबल के भी चांसेस है, अगर आप बैंड करेंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए आपको उसको जो है संभाल के रखना है काफ़ी, मतलब ज़्यादा बैंड नहीं करना है। मतलब ऐसे बैंड करूँगा ना तो उसका अंदर का जो फाइबर ऑप्टिकल वायर होता है वो भी आपका बैंड होके टूट जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, यही दोनों आपको जो है ऑप्टिकल केबल्स हैं, तो उनमें से आपको एक केबल से आपको जो है कनेक्शन दे देते हैं वो लोग। देखिए
अलग प्रकार की केबल है, और जो बेसिकली अपनी जो एयरटेल फाइबर हो गया और जियो फाइबर हो गया, इसमें ऐसी यूज़ नहीं होती है ज़्यादातर, पर जियो में जो है ये वाली यूज़ होती है और यही हो रही है हर जगह पे। ठीक है, देख लीजिए। और अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसका पासवर्ड रहेगा आपका जियो सेंट्रम, जो मैंने देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, और एडमिन एडमिन रहेगा। फिर उसके बाद आपको जो है पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, न्यू पासवर्ड बनाना पड़ेगा। फिर न्यू पासवर्ड बनाएंगे तो आपका जो है ओपन हो जाएगा, और गेस्ट पासवर्ड भी बना देना अलग से कुछ भी। तो फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स दे रखी हैं स्टेटस बार में, और ये आपका लेन है, इसमें आपको IPPV6 भी मिलता है और IPPV4 दो जो ही इसमें है, और ये सारी डिटेल दे रखी हैं। आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, और पॉज करके देखना तो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, आपको समझने के लिए मतलब का नहीं है, तो अभी ये देख लीजिए आप। ओके, ये सब सारे फीचर्स हैं, वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ओपन करना है अपना राउटर तो उसको कर सकते हैं। पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद जो आपको चेंज करना है तो आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। उसको लॉग आउट करते हैं, छोड़िए। अब ये रिमाइंड कर दी, आप दोबारा से देख लीजिए अच्छे से। चलिए तो फिर देखते हैं और आगे क्या है। ये अपना राउटर, शानदार राउटर, साथ में सेटअप बॉक्स, इसको हम लोग साथ में ही रख दिया ऊपर नीचे, पहले वो दिक्कत हो रही थी ना, तो इस वजह से साथ में ही रख दिया। तो यहाँ पे जो अभी ये जो है अपने जियो फाइबर पे ही ये चल रहा है, डिस्कवरी के प्लस होता है। चलिए स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। आप स्पीड टेस्ट जो है मैंने 5 GHz से भी कनेक्ट कर रखा है वाईफाई, तो इसमें जो आपको 12 MS मिल रहा है और 1 जिटर मिल रहा है। इसमें स्पीड आपको मिल रही है 140 के आसपास, और जो प्लान है के हिसाब से जो स्पीड दी जाती देनी चाहिए वो होती है 150, पर 150 तो नहीं आ रही है, पर ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। 150 कितने में आपका आराम से काम हो जाता है। प्लान के हिसाब से तो उन्होंने बोल रखा है कि 2 महीने के लिए आपको फ्री है, और 150 की जो स्पीड है वो मिलेगी, पर उससे थोड़ी ही कम मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका काम हो जाएगा इसमें, एंड आपको और स्पीड टेस्ट देखने, तो आपको और स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ। चलिए ये अपना स्पीड टेस्ट, इस वाला इसको देख लीजिए, इसमें कैपिंग आ रहा है, ये शायद दिल्ली सर्वर से कनेक्ट होगा, तो इसमें जो आपको देखना है वो देख लीजिए, इसमें भी ठीक ठाक आ रही है। जियो में जैसे कि प्लान है वो 30 MBPS का है, 100 MBPS का है, 150 MBPS का है, एंड 300 MBPS का है, एंड 1 GBPS का भी है। इसमें देखो 33 वो आ रहा है। तो आपको जो प्लान लेना है तो आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। 700 रुपये का आएगा आपका 100 MBPS का, और 400 रुपये का आएगा 30 MBPS का, और 1000 का आएगा आपका 150 MBPS का। मेरे हिसाब से सफिशेंट रहेगा आपका, 100 MBPS काफ़ी रहता है, ठीक है ना। तो fast.com में भी आप स्पीड देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है, 20 MS के आसपास पिंग आ रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अपलोडिंग स्पीड भी आप यहाँ पे देख सकें तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब बफरिंग देखने को नहीं मिलती है कभी, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ आगे कि कैसे जो है इसमें वीडियोस चलती हैं, टीवीज़, लाइव टीवी वगैरह, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसको रीड कर सकते हैं पूरा, मतलब सही है। देखने में जाए तो जियो जो है आपका थोड़ा चीपर भी है बाकी ब्रॉडबैंड कंपनीज से, और आपको अच्छी सर्विस भी दे देता है, क्योंकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इतनी। एक बार कनेक्शन लगवा लेंगे तो ज़्यादा झंझट का काम नहीं होगा, बिल्कुल सटीक से चलता है, क्योंकि जियो का जितना भी सेटअप है वो पूरा नया बैठा हुआ है, हर चीज़ नई लगी हुई है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी कंपनीज़ का जो है सब कुछ पुराना हो चुका है, केबल्स भी पुरानी डली हैं, सब कुछ मतलब ओल्डेड वर्जन है उनका, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें देख सकते हैं आप, सही है। अब जियो कॉल से, जियो कॉल भी इसमें आपको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जियो कॉल वाला, तो इसमें आप OTP से रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपका जो है वाईफाई कॉलिंग इसमें लग जाएगी, और जियो क्योंकि अपना एक वाईफाई वाला आपका नंबर मिलेगा, वो नंबर से आपकी कॉल जाएगी दूसरे एक पर्सन पर, और ये कॉल तभी जाएगी जब आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे तभी, ठीक है। और ये आपका रिसिप्ट है जो मैंने पेमेंट की थी 2500 रुपये इनको लोगों को, कि ये अपनी पेमेंट है, देख सकते हैं अपना। और ये जो है एयरटेल की प्रीपेड वाली पेमेंट है, जो कि मैं अपना 100 MBPS प्लान लेता हूँ उसकी है, ये 943 विद टैक्स, ये कंप्लीट बिल्कुल 18% टैक्स के साथ, ये है वो एयरटेल की है वो उसकी है, ठीक है। अब देखते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार बंडल प्लान जो कि जियो देता है आपको, ठीक। और ये अपनी जो फ्रेम वगैरह हैं जो यूट्यूब वीडियोज़ की, वो देख सकते हैं यहाँ पे, आपको स्पीड वगैरह दे सकते हैं, आप इसको पॉज करके रीड कर लेना अगर आपको पढ़ना है, तो मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब लाइव टीवी वगैरह पे आ जाते हैं, और इनकी जो अपना ये है जियो सेटअप बॉक्स का है, ये पूरा खुला हुआ है, तो यहाँ आपको डिज्नी, हॉटस्टार, वूट और सोनी लेव, ये सब आपको फ्री मिलता है। जैसे कि आपको मैच देखना तो मैच देख सकते हैं,
ये सोनी सब वगैरह, तो सोनी सब अपन प्ले करूँगे तो डायरेक्ट वैसे प्ले नहीं होता, इसमें सोनी लिव में जाके प्ले होगा। अगर जी का कोई चैनल प्ले करेंगे तो जी 5 में जाके प्ले होगा वो लाइव, ऐसे प्ले नहीं होता जैसे आप टीवी में रिमोट से चेंज कर रहे हैं, वैसा नहीं होता, वो सिर्फ डिश एंटीना के साथ ही हो सकता है। इसमें जो है आपकी जितनी भी सर्विस हैं वो अलग अलग ऐप्स में जो है वो होती हैं, ठीक है। ये भी ये तो अभी मैं हॉटस्टार चला रहा हूँ, तो हॉटस्टार की जितनी वीडियोज़ हैं हॉटस्टार में देख सकते हैं, ये वूट वगैरह की, ये जे अपनी जो अमेज़न प्राइम की वीडियोज़ हैं ये सब इसमें आराम से आप देख सकते हैं। और जैसे कि जियो स्पोर्ट्स है, ठीक है, ये 10 आ गया, देख लीजिए आप आराम से, यही सब इसमें ऐप्स दे रखे हैं, जियो प्राइम वगैरह हो गया। इसको प्ले करते हैं अभी, देख लीजिए इसको प्ले किया तो ये आपका हॉटस्टार में प्ले हो गया मूवी, ठीक है, ब्लैक विंडो। ये G5 में प्ले होगा, तो जितनी भी जो चीज़ें हैं, जैसे सोनी का है तो वो सोनी लिव में होगा, जी का है तो वो G5 में होगा, डिस्कवरीज का है तो डिस्कवरी प्लस जो इसमें दे रखा है आप इसमें होगा, ठीक है। जैसे अपना ये है बियर गिल्स वाला शो, ये इसमें डिस्कवरी प्लस में चल रहा है। हॉट स्टार की जितनी भी स्टार के प्लस के जो नाटक वगैरह हैं, जो सीरियल आते हैं, वो सब इसमें होंगे। और सोनी के जितने भी चैनल है वो सोनी में हो जाएंगे, जैसे सोनी सब हो गया, सोनी हो गया, वो सब इसमें लाइव चलेंगे। तो इस तरीके से लाइव चलते हैं, आप देख सकते हैं क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फुल HD में ही चलता है, कभी भी इंटरनेट का इसमें कोई भी इशू नहीं आता कि स्पीड डाउन हो रही है अप हो रही, बिल्कुल जो स्पीड है वो एक्यूरेसी आपको हमेशा जियो में मिलती रहेगी, और एक्यूरेट बहुत ही बढ़िया है, एक्यूरेसी के मामले बढ़िया है, पिंग भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। और अगर और आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं बताने वाला हूँ गेमिंग के पिंग कैसे रहेंगे, पबजी वगैरह के, BGMI वगैरह की, और थोड़ी बहुत और भी वीडियोज़ आएंगी, तो आप देख लेना जियो की, वो आपको देखने को मिल अच्छी मिल जाएंगी। ये अपने वूड वगैरह हैं, हीरोज़ नाव है, ये भी फ्री मिलता है इसमें हीरोज़ नाव, ठीक है। ये एल्ट बालाजी ये भी मिलता है इसमें, और यूट्यूब तो फिर अपना चलते ही है, ठीक है। तो यूट्यूब वाले का जो आपको यूट्यूब में देखना हो तो आप यूट्यूब में देख लीजिए, गाने वगैरह जो भी सुनना हो, ये कार्टून वगैरह ऐड इतने आते हैं कि क्या बताएं आपको, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही है वीडियो में, और आने वाली वीडियोज़ में आपको और अच्छे से बताऊँगा कि कैसे क्या है आपको करना है अपनी जियो फाइबर को और बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए। तो ये वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे क्या इंस्टॉलेशन है और क्या क्या प्लान है, तो बस इस वीडियो में इतना ही है। और रिमोट की फंक्शनिंग वगैरह है जो भी पूरी है वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ ज़्यादा ईजी है, सब सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, और इसमें बढ़िया चलता है। और इसकी भी एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ, यहाँ से आप जो है सेटिंग वगैरह पूरी देख सकते हैं, सेटिंग्स में यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह भी चेंज करना हो तो देख सकते हैं, ये भी मेरा प्लान देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ डाटा लेफ्ट, और ये अपना कौन सा प्लान है वो दे, और जितने भी ये ऐप्स दिख रहे हैं यही ऐप जो है मुझे फ्री मिले जो यहाँ पर दिखे हैं बस, और यहाँ पर ये दिखा रहा है वो ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी अपनी जितनी भी यूज़ अपन ने की है वो कितनी डाटा अपन ने यूज़ कर लिया, तो बस वही था, बस इतना ही है मेरी वीडियो में बताने के लिए। और आगे वीडियोज़ काफ़ी आने वाली हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक किए बिना नहीं जाना वीडियो को, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है जियो फाइबर के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।